अगर मैं आपसे पूछूं कि एरोप्लेन किसने इन्वेंट की, तो आप ऑब्वियसली कहोगे राइट ब्रदर्स ने। हाँ, हमें एनसीईआरटी बुक्स में भी यही पढ़ाया गया है, जो कि सच नहीं है। इसके पीछे भी बहुत सारी पॉलिटिक्स है, और क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ इतने साल राज करके गए हैं, तो वो अपनी औलादें, सोच और बातें भी छोड़ के गए हैं। कुछ उन्होंने हमसे छिपा लिया और कुछ बदल दिया, और कुछ तो हमसे चुरा भी लिया। बात अगर एरोप्लेन की करें, तो हमें एनसीईआरटी फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया कि एरोप्लेन ऑरविल राइट और विल्बर्ट राइट नाम के दो भाइयों ने 17 ऑफ दिसंबर 1903 में पहली बार उड़ाई थी, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। और अगर हम यही बात गूगल सर्च इंजन पे देखें, तो तीन नाम और ऐड हो जाते हैं, अल्बर्टो सैंटोस डुमोंट, विक्टर टैटिन और एमर लिलिनटोल। अल्बर्टो सैंटोस डुमोंट, ये एक ब्राज़ीलियन एरोनॉट इन्वेंटर थे, जिन्होंने लेट 1890s में हैवियर देन एयर और लाइटर देन एयर एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने में और डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया था। लाइटर देन एयर यानी कि हॉट एयर बलून्स और एयरशिप्स, और हैवियर देन एयर यानी कि एरोप्लेन्स और रॉकेट। विक्टर टैटिन, ये एक फ्रेंच इंजीनियर थे, जिन्होंने पहली बार एरोप्लेन के डिज़ाइंस बनाए थे, और उसका विंग स्पैन 1.9 मीटर का था और वेट 1.8 केजी का था, जिसके इंजन को कंप्रेस्ड एयर से पावर मिलती थी। एमा लिलिनटोल, ये वॉशिंगटन डीसी से थी, जो कि बाद में न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई। इन्होंने 1906 में एरोप्लेन्स के डिज़ाइन बनाए, और ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया था। ये तो हुई वो बातें जो हमने पढ़ी और इंटरनेट पर देखी, पर सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। शिवकर बाबूजी तलपड़े एक इंडियन इंस्ट्रक्टर थे सर जय जय स्कूल ऑफ आर्ट में, जिसे हम सर जमशेद जी जिजे बॉय स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1864 में साउथ बॉम्बे में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में मुंबई है। इन्होंने सबसे पहले बॉम्बे के गिरगांव चाउपत्ती बीच पे मरुटिस्का नाम के एक अननेम्ड हैवियर देन एयर एयरक्राफ्ट को उड़ाया, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी कि मानव रहित यान। इनके एयरक्राफ्ट मरुटिस्का को 1500 फीट तक की ऊंचाई तक जाने का दावा किया गया है, और इस एयरक्राफ्ट को बाद में रॉलिन ब्रदर्स को बेच दिया गया था, और इनके कुछ मॉडल्स और डिज़ाइंस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी भेजा गया था। इस विश्वसनीय उड़ान को नज़रों में भरने के लिए सयाजी गायकवाड़ थर्ड, जो कि बड़ौदा के राजा थे, वो वहाँ उपस्थित थे। कि मीडिया और कम्युनिकेशन की कमी के चलते इनका आविष्कार दुनिया से वाकिफ ना हो पाया, और फिर हमारा देश गुलाम था, तो हम पेटेंट भी नहीं करवा पाए। इन्होंने राइट ब्रदर्स से करीब 8 साल पहले एयरक्राफ्ट उड़ाया था, और इन्होंने ये एयरक्राफ्ट वैमानिक शास्त्र से इंस्पायर होकर बनाया था। वैमानिक शास्त्र यानी कि विमानों का शास्त्र, साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स, ये 20वीं सदी में संस्कृत में लिखे गए टेक्स्ट है। ये दावा करता है कि प्राचीन संस्कृत महाकाव्यों में एडवांस्ड एरोडायनेमिक फ्लाइंग व्हीकल्स थे। ये दो मॉडल्स हैं जिसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, एक है शकुन विमान, जो कि बर्ड शेप में है और इसके विंग्स और टेल्स भी डिस्क्राइब्ड हैं, और दूसरा है रुक्म विमान। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसका नाम था हवाई जहाज। जब इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को लोगों को दिखाया, तो लोगों ने बस इसे एक जादू टोने और टोटके का करार दिया। इन्होंने बहुत से पॉलिटिशियन से भी संपर्क किया, जिन्होंने इनकी एक नहीं सुनी, और फिर ये महादेव गोविंद रानाडे से मिले, जिन्होंने इनसे कहा, मैं आपको इंग्लैंड भेजने की व्यवस्था कर सकता हूँ, आप चाहो तो अपने एयरक्राफ्ट को अंग्रेजी वैज्ञानिकों को दिखा सकते हो। पर वो इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका एयरक्राफ्ट रॉलिन ब्रदर्स ने खरीदा था, जो कि यूरोपियन थे, और उनका यह आविष्कार यूरोप तक आ पहुँचा, और फिर ये राइट ब्रदर्स की कहानी बन गई। कुछ भी कहो, पर सच्चाई तो यही है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद।